ताराझर पहाड़ी में नक्सली द्वारा जंप हथियार का गठीरा बरामद किया गया है। एक देशी रॉकेट लॉन्चर, भरमार बंदूक, रिवॉल्वर बरामद की गई है। हथियार बनाने की सामग्री समेत दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद हुई है। नक्सली होने की जानकारी पर मंगलवार की रात सर्चिंग पर, एरिया डोमिनेशन पर पुलिस के जवान निकले हुए थे, जिस वक्त ये बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। तो हथियार बनाने की सामग्री भी इस दौरान बरामद हुई है। एरिया डोमिनेशन पर जवान निकले हुए थे, नक्सलियों के होने की जानकारी मिली थी। जिसके बाद जब सर्चिंग की गई तो नक्सली तो हालांकि वहां पे नहीं पाए गए, लेकिन हथियारों का जखीरा, हथियार बनाने की सामग्री, एक रॉकेट लॉन्चर, बंदूक, रिवॉल्वर, ये तमाम चीजें वहां से बरामद की गई हैं। दैनिक उपयोग में लाने वाली चीजें भी इस दौरान मिली है। पुरुषोत्तम पात्रा ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, कब एरिया डोमिनेशन पर जवान निकले हुए थे, क्या कुछ वहां से मिला है, जरा विस्तार से दर्शकों को जानकारी दें। जी, मैं आपको बता दूं कि मंगलवार को ही पुलिस को एक खुफिया जानकारी मिली थी कि जो ताराझर की पहाड़ी है, कुल्हाड़ी घाट से आगे जो ताराझर पहाड़ी और उड़ीसा सोनापुर के जंगल जंगल की सीमा से लगता है, तो इस जगह पे जो है नक्सली जो ठिकाना बनाया हुआ है और ये 25 से 30 की संख्या में है, ये जानकारी पुलिस को मिली थी। जिसके बाद से जो पुलिस जो है E30 की टीम जो नक्सल मोर्चा को संभालती है, वो मोर्चा संभालने वाली जो टीम है वो मंगलवार को सुबह से ही निकल गई थी सर्चिंग पार्टी में, और लगातार वहाँ सर्चिंग करने के बाद उन्हें ताराझर की पहाड़ियों में विभिन्न तरह से वहाँ जो जहाँ भी संभावित ठिकाने थे वहाँ संभावित ठिकानों पर छापामारी की गई, और उनके बाद उनको गुफा में पहले से ही दम किया गया। इनको हथियार मिला जिसमें देसी रॉकेट लॉन्चर थे, भरमार बंदूकें मिली, देसी रिवॉल्वर मिले गए, जिलेटिन बरामद किया गया है, और भी जो अन्य तरह के जो देसी हथियार बनाने के जितने भी सामग्री है, उपकरण है, वो भी बरामद किया गया है। साहित्य भारी मात्रा में मिला है। इसके अलावा दैनिक उपयोग में लाए जाने वाले जो खाद्य सामग्री है, उपयोग के सामग्री है, पिट्ठू है, इस तरह से बहुत सारे सामग्री जो है पुलिस को वहाँ पे मिली है, जिसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।